हाय एवरीवन, माइंडो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील हैं। तो शुरू करते हैं। अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यता में विश्वास रखें। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, जिससे सफलता व उपलब्धियां हासिल होती है। बहुत से लोग हीन भावना के शिकार होते हैं। उनमें से ज़्यादातर की हीन भावना की जड़ें उनके बचपन में होती है। इसे दूर करने के लिए हमें प्रबल आस्था होनी चाहिए। विश्वास की भावनाएं हमारे मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के प्रकार पर निर्भर करती है। अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे मन से शंकाएँ, हीन भावनाओं को बाहर निकाल देंगे। अपने मन में छवि बिठा ले कि आप सफल हो रहे हैं। जब भी खुद के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में आए, तो तुरंत सकारात्मक विचार सोचना शुरू कर दे। हर दिन कई बार जोर से बोले, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है। विश्वास करें कि आपको उनसे अभी वह शक्ति प्राप्त हो रही है। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अपने सोचने की तरीके को बदलना होगा। हमें सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है। अपनी बुरी भावना को निकालने की ज़रूरत है। दिन में कम से कम 2 बार अपने मस्तिष्क को खाली करने की कल्पना करें। अपने मन से सारे डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस और अपराध बोध की भावनाएं बाहर निकालने का अभ्यास करें। केवल मस्तिष्क को खाली करना ही काफ़ी नहीं है। जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा, तो कोई न कोई चीज़ तो अंदर जाएगी। अपने मस्तिष्क में तत्काल रचनात्मक और स्वस्थ विचार भर लें। कुछ शांतिपूर्ण शब्दों को जोर से दोहराने की आदत डालें। शब्दों में सुझाव देने की अद्भुत शक्ति होती है। उन्हें कहने भर से ही विचार बदल जाते हैं। जैसे शांति, यह एक ऐसा ही शब्द है। इसे कई बार धीमे धीमे दोहराएं। इस शब्द को बोलने भर से ही शांति मिल जाती है। आराम, इसे बोलते समय मन में आराम की तस्वीर बनाएं। इसे धीमे से दोहराएं। इसे मूड में लाएं। अपनी चर्चा से सभी तरह के नकारात्मक विचार को हटा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तनाव और अंदरूनी असंतोष पैदा होता है। हम जो शब्द बोलते हैं, उनका हमारे विचारों पर सीधा और निश्चित असर होता है। विचारों से शब्द बनते हैं, क्योंकि शब्द विचारों का वाहन है। हर दिन कम से कम 15 मिनट पूरी तरह से मौन रहने का फैसला करें। मौन में उपचार करने की, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करने की बहुत शक्ति है। अपने दिमाग में ऊर्जा पैदा करने वाले सशक्त विचारों को बैठा लें। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। ईश्वर से संपर्क हमारे भीतर में उसी तरह की ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिस तरह ऊर्जा से दुनिया में हर पल नया बदलाव होते रहते हैं। जब दैवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमजोर होने लगता है। हर चीज की गति बढ़ गई है, इस कारण लोग जल्दी थक जाते हैं। हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर की गति और उसके समय के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यदि कोई अपराध बोध का शिकार हो गया हो, तो उन्हें ईश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर राहत और शांति प्राप्त करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। एक शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है, प्रार्थना की शक्ति। इससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अयोग्यता, तनाव, चिंता और इनसे जुड़ी सभी प्रॉब्लम आंतरिक असंतुलन की वजह से होती है। प्रार्थना करने से शरीर और मस्तिष्क में संतुलन स्थापित हो जाता है। विश्वास भरी प्रार्थना शक्तियाँ मुक्त करती है। अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसकी मानसिक तस्वीर बनाएं। इसे बार बार देखें, जब तक कि यह साकार न हो जाए। विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर लेंगे।
ईश्वर के प्रति आस्था रखें। सतर्क लोग यह जानते हैं कि प्रार्थना की शक्ति को आजमाने से वे अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर काम करते हैं, बेहतर सोते हैं, बेहतर बनते हैं। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते या जिन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, उनके लिए प्रार्थना करें। नफरत आध्यात्मिक शक्ति में बाधा होती है। सुखी होना आपके हाथ में है। लोग उतने ही खुशी रहते हैं जितने खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। अगर कोई दुखी रहना चाहता है तो वे बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। इसके लिए सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। अपने आप से कहते रहे कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहे, हर चीज़ अच्छी तरह हो रही है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, मैं खुशी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। हम में से कई लोग अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं। हालांकि हमारे सारे दुख का कारण हम खुद नहीं होते, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ भी हमारे बहुत से दुखों के लिए जिम्मेदार होती है। परंतु फिर भी यह सच है कि काफ़ी हद तक हमारे विचार और हमारे रवैये हमारे जीवन में हमें खुशी या दुखी बनाते हैं। सुख की आदत सिर्फ सुखी चिंतन के अभ्यास से विकसित होती है। सुखद विचारों की मानसिक सूची बनाएं और इन्हें कई बार अपने दिमाग में दोहराएं। अगर दुख का कोई विचार आपके दिमाग में आ जाए तो तत्काल रुक जाएं और उसे बाहर निकाल दें और बदले में सुख के विचार भर दें। खुद से कहे, मैं खुश रहूँगा और इसका आनंद लूँगा। इसे स्पष्ट स्वर में दोहराएं और सकारात्मक स्वर में प्रबलता से इसका उच्चारण करें। खुद से इस तरह का वाक्य जोर से कहें, मुझे विश्वास है कि आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। मुझे विश्वास है कि मैं आज अपने सामने आने वाले सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ। ईश्वर यहाँ हैं और मेरे साथ हैं। क्या आप कभी चिढ़ते हैं या गुस्सा होते हैं? गुस्सा होने का अर्थ है उबलना, अंदर से धुआं निकालना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने का अर्थ है व्यर्थ में हाथ पांव पटकना, परेशान होना। चिढ़ना बच्चों का काम है, परंतु कई वयस्क भी इसी तरह से भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हमें खुशी रहना है तो हमें अपनी चिढ़ने और गुस्सा होने की आदत को छोड़नी होगी। और अगर हम प्रभावी ढंग से जीने की शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो हमें शांति पाना होगा। सबसे पहले अपने जीवन की गति को कम करना होगा, ईश्वर की गति के लय में आना होगा। बहते हुए हवा को महसूस करें, चहचहाते पक्षियों को सुने, कुछ देर प्राकृतिक वातावरण में गुजारें। जीवन जीने में कार्य कुशलता की अवस्था को हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण विचार सोचने की आदत डालें। हम हर दिन अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए कई कार्य करते हैं, जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, व्यायाम करते हैं। इसी तरह से हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए समय देना होगा और सुनियोजित प्रयास करने होंगे। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि चुपचाप बैठा जाए और अपने मस्तिष्क से शांतिपूर्ण विचारों को गुजरने दिया जाए। शांति का अभ्यास करें। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तरीकों को दैनिक अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक नियंत्रण किसी जादुई या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आप सिर्फ किताब पढ़ के विकसित नहीं कर सकते, हालांकि अक्सर इससे मदद मिलती है। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उस प्रकार से विचारों के प्रति संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है जो आपके मस्तिष्क से गुजरते हैं। अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेंगे। किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए विश्वास करना सीखना महत्वपूर्ण है। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं।
जो आकर्षण के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु अगर आप बुरे की आशा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में विकर्षण की शक्ति उत्पन्न करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ को आपसे दूर कर देती है। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि आप अपने पूरे दिल से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें समर्पण के भाव से अपने आप को झोंक दें। कई लोग इस कारण से असफल हो जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक धुंधला विचार होता है। उन्हें पता नहीं होता है कि वे कहां जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। निश्चित लक्ष्य के बिना निश्चित जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता। वह व्यक्ति जो आत्मनिर्भर, सकारात्मक, आशावादी है और जो अपने काम को सफलता के विश्वास से हाथ में लेता है, वह अपनी स्थिति को चुंबकीय बना देता है। वह अपनी और ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। ईश्वर में आस्था रखें। कभी बुरे परिणामों का जिक्र न करें, उनके बारे में नहीं सोचें, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। हर दिन कम से कम 10 बार सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद करता हूँ और ईश्वर की मदद से मैं उसे हासिल कर लूँगा। ऐसा करने से आपके विचार सर्वश्रेष्ठ की ओर मुड़ जाएंगे और इसे प्राप्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। इस अभ्यास से आपकी सारी शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के लिए सक्रिय हो जाएगी। फिर आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल जाएंगे। जब आपके दिमाग में हारने का विचार आए तो खुद से कहे, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। आस्था डटे रहने की शक्ति देती है। यह आपको तब भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है जब आगे बढ़ना कठिन होता है। जब परिस्थितियाँ अच्छी हो तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, परंतु तब आपको अतिरिक्त तत्वों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा आप उस संघर्ष को पार कर सके जब हर चीज़ आपके खिलाफ हो रही हो। यह एक महान रहस्य है कि आप खेल में हताश भरे उतार चढ़ाव के बीच भी हार न माने। ज़्यादातर मुश्किलें वास्तविक नहीं होती बल्कि मानसिक होती है। हर एक के जीवन में बाधाएं आती है, वे काल्पनिक नहीं है, परंतु दरअसल वे उतनी कठिन भी नहीं है जितना वे दिखती है। मानसिक नजरिया महत्वपूर्ण है। विश्वास करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको वह शक्ति दी है कि आप अपने आप को किसी भी मुश्किल परिस्थितियों से ऊंचा उठा सकते हैं, वशर्ते कि आप अपनी निगाहें अपनी शक्ति के स्रोत पर लगाए रखें। अपने आप से दृढ़ता से कहें कि इस शक्ति के माध्यम से आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। विश्वास रखें कि यह शक्ति सारे तनाव को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है और यह शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता दरअसल सिर्फ एक हानिकारक मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है। और चूंकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत को और नज़रिए को बदल सकते हैं, इसलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत को छोड़ना शुरू कर दें। कल्पना डर का बहुत बड़ा कारण है, परंतु कल्पना से डर का इलाज भी हो सकता है। कल्पना का अर्थ है तस्वीर बनाना, यानी कि हम हर डर से मुक्ति की तस्वीर बनाते हैं। जो हम तस्वीर बनाते हैं वह अंततः तत्व बन सकती है यदि उसे पर्याप्त विश्वास के साथ लंबे समय तक मानसिक रूप से देखा जाए। अपने मस्तिष्क में आशा, आस्था और साहस के विचार भरें। इस तरह के वाक्य जोर से कहें, ईश्वर मेरे मस्तिष्क को साहस, शांति और आस्था के विचारों से भर रहा है। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहा है। ईश्वर मुझे सही फैसला करने का रास्ता दिखा रहा है। आशावादी लोगों से दोस्ती करें। अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त रखें जो सकारात्मक सोचते हों, जिनके विचार आस्था से भरे हों
और जो माहौल को रचनात्मक बनाते हो, इससे आपको अपनी आस्था की नज़रिया को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत से आवश्यक मामले में सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि उस समस्या को सही तरह से सुलझाने की शक्ति आपके भीतर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर चलना होगा। विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। अपने समस्या के बारे में प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क में समाधान की रोशनी चमका देंगे। इलाज में आस्था का प्रयोग करें। वर्तमान आध्यात्मिक अभ्यास में आस्था से इलाज में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने दिल, आत्मा और शरीर की बीमारी का उपचार खोजने में मदद मिल सके। वर्तमान युग की चिकित्सा उपचार के मनोदैहिक तत्वों पर जोर देती है और इस तरह शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक अवस्थाओं से संबंध को पहचान रही है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इस करीबी संबंध को महसूस कर रही है, जो मनुष्य के सोचने के तरीके और उसके महसूस करने के बीच फर्क होता है। चूंकि धर्मों का सरोकार विचारों, भावना और मूल नजरियों से है, इसलिए यह स्वाभाविक भी है कि आस्था का विज्ञान उपचारक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बन जाता है। गुस्सा एक बड़ा शब्द है, जो छोटे छोटे बहुत से तनावों को इकट्ठी हो चुकी भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति करता है। इनमें से हर तनाव या कुंठा अपने आप में छोटी होती है, परंतु आपस में मिलकर आखिरकार यह एक बड़े आग का रूप ले लेती है, जिसमें हम अपने आप को जला देते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। अपने दिल से शिकायतों को निकालते रहें, नज़रिया बदलकर नए इंसान बने। अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। इमर्सन ने कहा था, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वह दिन रात सोचता रहता है। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अलग तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरकर असंतोषजनक परिस्थितियों को स्वीकार न करें, बल्कि अपने मस्तिष्क में आदर्श परिस्थितियों की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाए रखें, इसे पूरे विस्तार से विकसित करें, इसमें विश्वास करें, इसके बारे में प्रार्थना करें, हर चीज़ के बारे में अच्छा बोलें, अपनी नौकरी, सेहत, भविष्य के बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, हर चीज़ के बारे में आशावादी बातें करें। यह करना कठिन होगा, क्योंकि शायद हमें निराशावादी बात करने की आदत हो चुकी है। नकारात्मक आदत पर हमें नियंत्रण करना होगा। एक सप्ताह तक आशावादी तरीके से बोलने का प्रयोग करें। जिस तरह से हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरह से हमें अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ विचार का आहार देना चाहिए। सजग ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें। अपने काम को पसंद करने का पक्का इरादा कर लें। योजना बनाएं, योजना के हिसाब से काम करें। योजना के अभाव में यह भावना उत्पन्न होती है कि हम पर बहुत सा काम का बोझ है। सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश न करें, एक एक करके काम करें। सही मानसिक रवैया रखें, अपने काम में कुशल बने। ज्ञान ही शक्ति है। सही तरीके से काम करना हमेशा ज़्यादा आसान होता है। रिलैक्स्ड बनने का अभ्यास करें। आराम से किया गया काम हमेशा बेहतर होता है। ज़्यादा प्रयास ना करें, तनाव में ना आएं। अपने काम के बारे में प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप रिलैक्स भी होंगे और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। लोकप्रिय बने। लोकप्रियता कुछ आसान, सहज, सामान्य और आसानी से जाने वाली तकनीकों से हासिल किया जा सकता है। पहली बात तो आप आरामदेह व्यक्ति बने। ऐसे व्यक्ति बने जिसके साथ लोग तनाव मुक्त रह सके। आरामदेह व्यक्ति हर चीज़ को आराम से लेता है और स्वाभाविक रहता है।
उसका अंदाज सुखद और दयालुपूर्ण और परोपकारी होता है। लोगों में गंभीरता और ईमानदारी से सच्ची रुचि लें, लोगों के प्रति प्रेम रखें, सामने वाले के ईगो को बढ़ावा देने का अभ्यास करें, नाम याद रखने की आदत डालें, तनाव में ना रहें, रिलैक्स्ड रहने का गुण विकसित करें, स्वाभाविक बने और विनम्र रहें, लोगों को पसंद करने की कोशिश करें जब तक कि आप सचमुच ऐसा करने न लगें, किसी की उपलब्धि पर बधाई देने का अवसर न छोड़ें, न ही किसी दुख या निराशा में सहानुभूति व्यक्त करने का अवसर जाने दें, ईश्वर से शक्ति प्राप्त करें, गहरी सांसें लें, यह विश्वास करें कि वे शांति प्रदान कर रहे हैं, अपने काम को पूरी शक्ति से करें। ईश्वर की शक्ति हासिल करने का एक तरीका हर समस्या के प्रति सकारात्मक आशावादी नजरिया रखना सीखना है। आपकी आस्था जितनी गहरी होगी उसी अनुपात में आपको शक्ति मिलेगी। अब संक्षेप में दोहरा लेते हैं, अपने आप में विश्वास रखें। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान बने रहे, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। खुशी होना हमारे हाथ में है, क्योंकि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे विचार अपने मन में रखा जाए। गुस्सा न करें, चिढ़े नहीं, यह बच्चों का काम होता है। अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब हिम्मत हारने लगे तो खुद से कहे, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता न करें, विश्वास करें कि आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का अभ्यास करें, अपने नजरिया को बदलकर नए इंसान बने, रिलैक्स रहें, लोकप्रिय बने, ईश्वर की शक्ति को प्राप्त करें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।